Good morning, children. So, in EVS, this is the next part of the lesson, that is a treat for mosquitoes. So, here, open your book and go to page number 69. So, here, कल हमने बात किया था ना बच्चे, मलेरिया के बारे में बात किया था, ब्लड टेस्ट के बारे में बात किया था, और उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे. Now, here you will see medicine for malaria. मेडिसिन फॉर मलेरिया, जो मलेरिया हमारा डिजीज है ना, जो मॉस्किटो से होता है, उसका लिए हमारा मेडिसिन क्या था और अभी क्या यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं. फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री, है ना, सिंकोना जो है ये ट्री है, उसके छाल को यूज करते हैं, उसको पाउडर बना लेते हैं, उसको मेडिसिन की तरह यूज करते थे. अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवेन टू पेशेंट्स. नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस. अब यहाँ पर इसके टैबलेट्स बनते हैं और वो हम पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट. कल हमने डिस्कस किया था ना ब्लड टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक ब्लड टेस्ट की एक रिपोर्ट दिख रही है, इसको आप ध्यान से देखिएगा. विच words in the report help us to know that the person has malaria, है ना. तो किसी को मलेरिया हुआ है तो उसका ब्लड टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में उसका मेंशन होगा कि उसको मलेरिया है या नहीं है. सो यू कैन सी द रिपोर्ट हियर, और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, यू कैन सी नाम यहाँ पे रजत, उसका एज है एंड मेल, एंड देन यहाँ पे क्या पहचान हुई है डायग्नोसिस करने के बाद, क्या मालूम पड़ा है, दैट इज फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स. सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट, इसको पढ़िए आप, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल. जो ब्लड सैंपल गया था रजत का, उसमें मलेरिया पैरासाइट मिल गया है ना, मिला है, तो ये आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है. सो आंसर में भी आप यहाँ पर इसको आंसर चाहो तो लिख सकते हो, और ऐसे ही आप छोड़ सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है लिखना, है ना, बहुत ही कॉमन सी बात है, आप यहाँ पर देख के आंसर बता सकते हैं. आंसर इज द वर्ड्स मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज मलेरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर डिजीज इज देयर, दैट इज अनीमिया. यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे दिख रहा है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. अनीमिया व्हाट इज दैट, अनीमिया क्या है. अच्छा, आपने देखा होगा ना, ये कभी कभी कुछ बच्चे जो है ना काफ़ी वीक होते हैं, काफ़ी वो उनको हेडेक वगैरह होता रहता है, चक्कर आता रहता है, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी उनके अंदर नहीं होती है, ये सब जो आपको सिम्टम दिखते हैं ना, ये एनीमिया के होते हैं बच्चों में स्पेशली. तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये नॉर्मल है, और जब एनीमिया होता है जैसे यहाँ पे येलोइश हो जाता है आपका स्किन. एंड वन मोर थिंग एनीमिया के बारे में जो है वो है अबाउट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो होता है ना हमारे बॉडी में बच्चे, ये हमारे बॉडी में जो हमारे पूरे बहुत सारे सेल होते हैं, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, तो वो पूरे बॉडी में जो सेल के पास जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं ना, वो काम करते हैं हमारे RBC, रेड ब्लड सेल्स, है ना. अब ये RBC में क्या होता है, RBC में सीधा आपका हीमोग्लोबिन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, है ना. तो आप इसको ध्यान से समझो, RBC हो गया, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन जो है ना पूरा ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं ना, वो पूरी बॉडी में सारे सेल्स के पास पहुँचाता है, ठीक है. तो अगर हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम होगी, कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन, या RBC कम हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी और ये अनीमिया के लिए इन्विटेशन हो जाता है, ठीक है. और यहाँ पर आयरन की भी हम बात करेंगे, जब भी हीमोग्लोबिन की बात होती है तो वहाँ पे आयरन का भी यूज हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो यू कैन सी अनीमिया अकर्स व्हेन यू हैव अ डिक्रीज्ड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर रेड ब्लड सेल्स, है ना. जो हमारे अंदर RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो यहाँ पर अनीमिया की प्रॉब्लम आती है. हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन योर RBC दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू योर टिश्यूज, है ना, आपके सेल्स टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पहुँचाते हैं. आयरन डेफिशियंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया, है ना. आयरन डेफिशियंसी वाला जो है बहुत ही कॉमन है, ये बहुत से बच्चों में होता है. एंड इट अकर्स वेन योर बॉडी डजंट हैव इनफ ऑफ द मिनरल आयरन. येस, मिनरल बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, उसमें आयरन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो हमारी बॉडी में अगर कम हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है ये एनीमिया की. ओके, ये बस आपको समझना है. नेक्स्ट यू कैन सी या देर आर सिम्टम्स ऑल्सो. सिम्टम्स यहाँ पे है, देखो ये आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, ये ब्लड सैंपल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जो आपको सर्कल में दिख रहा है ना, ये जो सर्कल में दिख रहा है ना, दोनों सेम है, बट यहाँ देखो यहाँ पे जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये सब रेड RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं,
ठीक है, ये यहाँ पे देखो आरबीसी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्या है आरबीसी कम है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो रेड सेल्स है ना ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कम हो गए हैं। जब ये आरबीसी कम हो जाते हैं इसका मतलब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, और उसमें आयरन की वजह से भी हो सकता है ये, तो इसे हम कहते हैं अनीमिया की प्रॉब्लम होने वाली होती है। ठीक है, यू कैन सी हेडेक होता है इसमें, ठीक है, फैटेक होता है यहाँ पे, और पहले स्किन होता है, स्किन भी पीली पड़ने लगती है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है, डिजीनेस चक्कर आने लगता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। यू कैन सी अ ट्री देयर, सिनकोना ट्री है जहाँ से हमें ये इसका दवा बनता है मलेरिया के लिए। नाउ आरती सिंह, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, बट दे टुक अ सीरेंज फुल ऑफ ब्लड, द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया। तो ये इनको जो है हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है इसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेते हैं ब्लड इसमें, तो यहाँ पर जब सैंपल में टेस्ट होके आता है तो फिर मालूम पड़ता है कि एनीमिया है या नहीं है। तो आरती ने बताया कि उसको एनीमिया हुआ था। नाउ रजत इज सेइंग व्हाट इज दैट मींस, एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या होता है। आरती इज एक्सप्लेनिंग, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, है ना, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं, मतलब जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन हो गया तो वो जो है कम हो गया है ना, उसका लेवल कम हो गया है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिंस टू गिव मी स्ट्रेंथ, है ना, उससे क्या होता है कमजोरी होती है ना, वीकनेस होती है, तो स्ट्रेंथ के लिए उसको मेडिसिन दिया। ही सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, जैगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आमला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन, है ना, जैगरी में, आमला में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इसमें आयरन मिलते हैं ज़्यादा, तो ये उन्होंने एडवाइस किया था खाने के लिए। और नैन्सी सेइंग हाउ कैन देयर बी आयरन इन आर बॉडी, तो उसको लगा कि जो आयरन नहीं होते हैं जिससे बहुत सारे चीज़ें बनती हैं, उसको लगा वो आयरन की बात हो रही है, लेकिन जो हमारा आयरन की बात हो रही है ये मिनरल वाले आयरन की बात हो रही है। ठीक है, यू कैन सी आयरन डेफिशियंसी, ये आपका जो आरबीसी ब्लड के अंदर जो आरबीसी है ना, ये है ना, ये कम हो जाते हैं, तो उसमें इसको फुलफिल करने के लिए आयरन जरूरी होता है ना, हेयर लॉस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हेडेक होते हैं इसमें, है ना, ठंडी लगती है, ये सब चीज़ें होती हैं आयरन डेफिशिएंसी में। यू कैन सी मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे ना, बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में हैं बच्चे, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड इन फूड्स दैट आर बॉडीज need to develop and function normally. Those essentials for health include calcium, हो गया, हमने आपने सुना होगा calcium के बारे में, calcium है ना, potassium, sodium, chloride, iron, zinc, iodine, ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है minerals हमारी body के लिए ज़रूरी होते हैं। And iron के बारे में देखो, iron is a mineral that our bodies need for many functions. For example, iron is part of hemoglobin. अभी इसको डिस्कस किया ना, आयरन का मतलब सीधा आप हीमोग्लोबिन से इसको जोड़ सकते हो। अ प्रोटीन विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम आर लंग्स थ्रू आउट आर बॉडीज, पूरे बॉडी में जो है ये ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, है ना, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो हम अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। इट हेल्प्स आर मसल्स स्टोर एंड यूज ऑक्सीजन। आयरन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेनी अदर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे बड़े होगे बड़े क्लासेज में। सो आपने समझ लिया है ना, ये आयरन हीमोग्लोबिन ये कितना सीधे लिंक है आपका एनीमिया से, है ना। नाउ जसकीरत इज सेइंग देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, हाँ न्यूज़पेपर में भी आते रहते बच्चे, बहुत सारे डिजीज के बारे में अच्छे से आर्टिकल्स आते रहते हैं, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो कभी। रजत इज सेइंग, वो हंसते हुए बोला, सो दे देन यू एट आयरन और वॉट, तो उसने मजे में कहा कि इसका मतलब तुमने आयरन खाया होगा ना, आयरन की जो कमी हो गई थी तो आयरन को कमी को पूरा करने के लिए तुमने आयरन खाया होगा, ऐसा है क्या। नाउ आरती इज सेइंग सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज, उसने कहा ये जो जैसे चाबियां बनती हैं और भी चीज़ें बनती हैं, आयरन वो आयरन नहीं है, ये मिनरल वाला आयरन है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वट एवर द डॉक्टर्स हैड सेड माई हेमोग्लोबिन वेंट अप, यस, तो डॉक्टर ने जो बताया था उसको उसने फॉलो किया, है ना, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया होगा, है ना, और ड्राई फ्रूट्स खाया होगा, जैगरी आमला खाया होगा, तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो फिर से अप हो गया है, है ना। नाउ लेट्स सी अबाउट एन आर्टिकल एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, तो ये जो है ना ये आप एक इसको पढ़ो 17 नवंबर 2007, ये कोई आर्टिकल निकला होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। सो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग
इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स इन दिल्ली सफर फ्रॉम अनीमिया। ये बहुत पहले की बात है, 2007 की बात हो रही है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में हो सकता है ऐसा ना हो, उस समय की बात हो रही है। बहुत से बच्चे जो है अनीमिया से सफ़र करते थे, जनरली बच्चों को ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। बिल्कुल है ना, एक तो फिजिकली वीक हो जाते हैं और मेंटल भी ये प्रॉब्लम होती है उनको। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रेन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। काफ़ी वो थके थके रहते हैं, अच्छे से ग्रो भी नहीं होते हैं बच्चे। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बींग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बींग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रेन। एनेमिया चिल्ड्रेन आर ऑल्सो बींग गिवेन आयरन टैबलेट्स। आपको भी पता है बच्चे, आपके स्कूल में भी आयरन टैबलेट देते हैं ना आपको, और आपके देखते हो आप रेगुलर आपके हेल्थ चेकअप होते रहते हैं स्कूल में, आपको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता था, है ना। फिर से आप स्कूल खुलेंगे तो आपको फिर से ये चीज़ें आपके लिए की जाएगी, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन सी अगेन सम रिपोर्ट्स आर देयर, 1, 2। यहाँ पर आपको दो रिपोर्ट दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी, आरती की रिपोर्ट है ये अनीमिया वाली, है ना, जिसमें अनीमिया जो है ये मिला था उसको ब्लड टेस्ट के बाद। सो सम क्वेश्चंस आर देयर, लुक एट आरती'स ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो बच्चे, हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें होती है ना उसका एक रेंज है ना, मिनिमम या मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना हमारी बॉडी में, वो कितना होना चाहिए उसका एक रेंज है। आप ये कार्ड को देखो ध्यान से, यू कैन सी इन दिस कार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज किसका? हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? दैट इज 12 to 60 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये पर डेसीलीटर है डीएल। तो यहाँ पर 12 to 60 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बाई सींग आरती'स ब्लड रिपोर्ट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज 12 ग्राम पर डीएल। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 12 से कम होगा तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो 12 से और 16 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी यहाँ पर 12 to 60 दिया हुआ है कार्ड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डिड आरती'स हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। सो यू कैन सी फर्स्ट कार्ड क्या है, ये फर्स्ट कार्ड हमारा है 20 जून को है, है ना, 20 जून का ये कार्ड है। और सेकेंड हेल्थ चेकअप जब हुआ होगा दैट इज 15 सेप्टेम्बर को। तो कितना जो हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज हुआ, पहले कितना आया था रिपोर्ट में जब इसकी जांच हुई ना, तो पहले रिपोर्ट में 8 ग्राम पर डीएल था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा वो इंक्रीज हुआ, है ना, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ? पहले 8 था, 8 से कितना हो गया? 10.5। तो 8 + 2 कितना हो गया? 10। कितना मतलब 2.5 जो है ये इंक्रीज हुआ। और टाइम कितना लगा? यू कैन सी 20 जून, तो 20 जून हो गया, फिर 20 जून से 20 जुलाई 1 मंथ, फिर 20 जुलाई से 20 अगस्त 2 मंथ हो गया, और 20 सेप्टेम्बर। बट ये यहाँ पे 15 सेप्टेम्बर है, तो ऑलमोस्ट आप 3 मंथ्स कह सकते हो। यू कैन सी 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। सो आंसर इज, बाई सींग आरती'स ब्लड रिपोर्ट हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाई 2.5 ग्राम पर डीएल, है ना, पर डेसीलीटर, विच टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू इंक्रीज, है ना। अभी भी उसका पूरा प्रॉपर नहीं आया था, है ना, जितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन उतना नहीं हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा जब वो प्रॉपरली उसको केयर करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। एनीमिया के बारे में अभी और बहुत सारे डिजीज है बच्चे, इसके बारे में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आते रहते हैं, काफ़ी डिटेल्स आती रहती है, आप भी यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना, काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। तो उसमें रिपोर्ट्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आते हैं, बताते हैं। सो यू कैन राइट द आंसर हियर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेट्स दैट अनीमिया अफेक्ट्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रेंस ग्रोथ, ये दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लेवल्स विच इन टर्न अफेक्ट्स देयर एजुकेशन, है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो उनका फिजिकल मेंटल ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनकी एजुकेशन भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनके पेरेंट्स को भी। खुद लिख सकते हो, देखो यार, आप ध्यान देखो, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई, है ना। या से आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को अगर ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ी है तो आप यहाँ बताना यस या नो, और किस चीज़ के लिए आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे आंसर में। नेक्स्ट, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो आती है उसमें बहुत सारे आंसर होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं, उसमें आपको क्या फाइंड हुआ था ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल।
What did the doctor tell you? Yes, आपको याद होगा लास्ट क्लासेज में आपके यहाँ पे ब्लड टेस्ट हेल्थ चेकअप होते हैं और वहाँ पे जो है आपके डॉक्टर होते हैं या फिर नर्स होते हैं ना, मैम होती हैं, तो वो आपको बताती हैं आपके हेल्थ के बारे में. तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लेना. नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट. व्हाट टू फाइंड आउट? आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन. यस, ये आपको पता होना चाहिए. बच्चे बहुत से फूड आइटम्स हैं है ना जिसमें आयरन होता है इनफ. तो ऐसे बहुत से फूड आइटम आप देख सकते हो. यू कैन सी यहाँ पे आपका एप्पल है, पोमीग्रेनेट है ना, बीन्स है, स्पिनच है, लेटस है ना, ड्राई फ्रूट्स हैं, एग्स हैं. तो ये सब बहुत से आइटम्स हैं जो आपके आयरन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. सम ऑफ द मेन फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन आर स्पिनच, बीन्स, कैबेज, लेटस, पोमीग्रेनेट, एप्पल. और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो आपको पता है. तो ये सब क्या करते हैं, आपके आयरन को इंक्रीज करते हैं, आयरन लेवल को, इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है बढ़ता है. फिर आपके जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन हो जाते हैं अच्छे से, तो आपके ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं पूरी बॉडी में, हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं. फिर आपका एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है. ओके, सो दिस वॉज टुडेज ईवीएस क्लास. ओके, थैंक यू, टेक केयर.